अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो हम आ चुके हैं यहाँ पे अम्यूज़मेंट पार्क, और यहाँ पे यार बड़ा गंदा मतलब सीन होता है, क्योंकि यार ये लोग ना हमें इग्नोर कर देते हैं। मैंने बोला ओके भैया, तुम लोग हमें इग्नोर कर लो, हम बाद में तुम्हें पहले गया, हम पहले गा तुमका, तुम ज़रा सब्र करो। तो ना अब मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ऊपर से बड़ा अच्छा एंगल बन जाता है, तो मैं ना ऊपर चढ़ गया। तुम मुझे कभी भी देखोगे ना, तो मैं नमूने बंदरों की तरह छतों पे ही मिलूँगा तुम लोगों को, उछलता कूदता। तो अब सीन ये था कि मुझे मिल गई द गार्ड गन M4। यार ये गन ना मतलब दे दो, और फिर तुम मेरे से लगवा लो, दूर दूर के शॉट भी दे दूँगा। और यार इस बंदे के साथ तो बड़ा गंदा हुआ यार, मतलब पैंथर के नेट से भी फटा, मेरी गोलियाँ भी खाई। अब इतने में क्या सीन होता है ना, कि हमें आ जाते हैं नीचे से फुट स्टेप्स, तो पैंथर कूदता है, वो बंदा पैंथर को मारते मारते वो मेरे पे आ जाता है। मैंने बोला ठीक है भाई साहब, मतलब आप ही तो हो क्रिश 3 के हीरो जो ऐसे घुस रहे हो, जब आपको पता है कि आपके 3 बंदे नॉकआउट हैं और एक बंदा पता नहीं सस्ता है नशे करके कहीं दूर है, तो अकेले रश करने की क्या तुक बनती है? सोलो वर्सेस डुओ कभी जीता है कोई इतने आराम से, वो भी स्टार्टिंग के गेम में, जब पता है सामने वाले के पास M4 है और अच्छी अच्छी गन्स होती हैं। तो अब उनका ना मैं समझ रहा था कि वो रिवाइव हो रहा होगा बंदा, लेकिन वो बंदा तो भाई दूसरा, उसका सस्ते नशेड़ी पता नहीं क्या कर रहा था। तो अब सीन ऐसा था कि इन स्कॉट के तो मैंने ना समय बदल दिया, जज्बात बदल दिए, लंबे लंबे एल लगा दिए भाई साहब। मैंने अब क्या बोलूँ मैं यार, मतलब मुझे ना यहाँ पर उछलने में बड़ा मज़ा आता है सीरियसली। तो हम मारेंगे थोड़े से बॉट वोट, ताकि थोड़े से किल विल बढ़े, केड़ी वेड़ी बढ़े। तो तुम्हारे भाई ने लगाया मार, क्योंकि ना यार पैंथर को स्नाइपिंग बड़ी अच्छी आती है। अब पैंथर के लिए मैंने Kar98 मार्क करी। पैंथर बोलता है वहाँ पे बंदा है यार, तो कहाँ 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 जल्दी से बताओ भैया। तो वो बॉट होता है, और ऑब्वियसली यार मैं बोट भी मारता हूँ भाई, सीधी बात है, मैं एग्री कर रहा हूँ। जब तुम्हारा KD बढ़ रहा है बोट मार के, तो मतलब अगर मेरे को 10 बोट भी दिख जाएंगे ना सर्वर में, तो यार तुम खुद सोचो, अगर एक सर्वर के अंदर 10 बोट हो और 10 के 10 तुम्हें मिल रहे हैं, तो और हर गेम में मिल रहे हैं, तो तुम्हारा 10 का KD तो ऐसा कैसे ही चला गया। तो नेवर माइंड, मैं जॉकिंग कर रहा हूँ। तो अब हम आ गए ना दूसरे मेले के अंदर। मैंने बोला पैंथर निकालो बेटा, ड्राइवर निकालो गाड़ी, और चलते हैं दूसरी साइड पे। और भाई यहाँ पे थे 3 बंदे, उन्होंने हमें फायर मारा। हमने बोला अच्छा भैया। मैंने सोचा यार, मैं ना जैसे पिछले गेम के अंदर मैंने स्वैग में पूरा स्कोर डाउन करा था ऊपर चढ़कर, ऐसे ही कर लूँगा। लेकिन भाई साहब वो तो कतई ढीट निकले, वो पिछला स्कोर जैसे बावला पागलों वाला था ना, ऐसा नहीं था, ये थोड़े अकलमंद थे, तो सब ना एक साथ घूम रहे थे। अब इसका एक बंदा, दूसरा बंदा, तीसरा बंदा, देखते देखते स्कोर वाइप लग गए इनकी स्कोर के भी बड़े बड़े एल। ओ ये तो तुम्हारा भाई नमूने बंदरों की तरह उछलता कूदता इनको लूट रहे। मैंने बोला पैंथर चलो निकालो, जोन भी आ रहा है, गाड़ी निकालो पैंथर, गाड़ी निकालो। तो अब ना मैं सच्ची बताऊँ, मुझे ना पीछे जो मेरी हेल्थ कम है ना, ये बीच में हुई थी, क्योंकि पीछे किसी ने ना फायर मारा था, तो मेरी हेल्थ कम हुई थी। तो मैंने बोला यार चल पैंथर गाड़ी चेंज करते हैं। तो हमें मिल गई गाड़ी। ओ भाई 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 भाई, अरे पैंथर देखो हम तुमको जॉब से निकाल देगा भाई, मतलब क्या ड्राइविंग कर रहे हो, तुम्हारा लाइसेंस वाइसेंस असली है कि नकली है? नहीं नहीं, क्या करना क्या चाहते हो बे, करना क्या चाहते हो? तो वो बोलता भाई भाई साहब साहब सामने बंदा है। मैंने बोला अच्छा चलाओ गाड़ी चलाओ। अब तुम लोग एक सीन देखना, मतलब हम यहाँ से जा रहे हैं, सही है, ये गाड़ी खड़ी थी एक, देख रहे हो पीछे गाड़ी लग गई हमारे। अब पैंथर ने क्या किया, गोल गोल रोल कर ली गाड़ी और उल्टी करके इसी के पीछे लग गया, मतलब
मानते हो ना तुम पैंथर अच्छा ड्राइवर है? किस किस को लगता है पैंथर अच्छा ड्राइवर है कमेंट करके बताए यार। अब वो बंदा ना बड़ी मतलब वो कर रहा है, ड्रिफ्टिंग कर रहा है। मैंने बोला अच्छा चल आ जा, अब नीचे गिर जा। तो उस बंदे ने हरी हरी उल्टी करी और वो देख के हम निकल लिए। अब यहाँ पे ना गाड़ी खड़ी थी भाई साहब, और भाई पहले हमने सोचा कि घुसे कि नहीं घुसे, चार बंदे होंगे तो पहन लेंगे, कंटेंट निकल जाएगा। मैंने बोला नहीं पैंथर चल आ जा घुसते हैं। वो बोलता भाई तेरा कंटेंट है भाई, भाई नहीं घुस। मैंने बोला नहीं अब अपन घुस के मारेगा घुस के। तो निकल लिया हम अंदर, तो यहाँ पे ना फुट स्टेप्स नहीं आ रहे थे। मैंने बोला पता नहीं क्या कैंपर्स हैं, लेकिन भाई ये क्या सीन है, ये नहीं ये सीन क्या है, क्या सीन था बे? एक तो गरीब, इसके पास एमओ एमओ भी नहीं। अब हम यहाँ से जा रहे थे, ये बंदा ने ना पता नहीं क्या चुल मचती है, आराम से टॉप 10 में जाता तू यार, फिर फायर लेता, किसी से फाइट लेता, आराम से फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे आ जाता। और भाई साहब यहाँ पे ना पैंथर रो दिया, बोलता अबे यार ये मतलब तूने मेरा मुंह के सामने से कल चोरी कर लिया बे। मतलब मुझे ना बड़ा मज़ा आया, क्योंकि गाड़ी के अंदर बैठ के किसी बंदे को, बाहर खड़े हुए बंदे को अगर तुम मार लो ना बड़ा मज़ा आता है। इसलिए यार अगर कभी भी तुम बाहर से फायर कर रहे हो ना, तो थोड़ा हिल डुल के करा करो, ताकि गाड़ी वाले की फायर ना लगे सीधी एक जगह पर। तो भाई हमें ना फ्लेयर की आवाज़ आई थी, तो हम ढूंढने लगे कि फ्लेयर कहाँ पर है, लेकिन इन लोगों ने तो भाई BRDM मंगवा ली। और अब तुम लोग देख रहे हो मैंने कितना इस बंदे को डैमेज दिया है, मतलब फुली डैमेज है। सिर्फ एक गोली का और मेहमान है, और इसका दूसरा बंदा ना बड़ा स्वेग के अंदर घुस रहा था, और इसको तो मैंने पकड़ लिया। और मैंने ना दूसरे बंदे पे भी रश कर दिया अंधे के अंदर ना, लेकिन हमें का पता था कि वहाँ पे बंदा है। उली उली बाबा, मतलब मेरे को ना सच्ची बताऊँ एकदम मेरा समय बदल गया, जज्बात बदल गए, वक्त बदल गया, हर कुछ बदल गया, गेम बदल गया, कंटेंट निकल गया, सब कुछ निकल गया। ओ माय गॉड ओ भाई ये क्या हुआ। मतलब मैं ना सीधा चलने लग गया, मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, मैं करूँ तो करूँ क्या भाई। मैं उसकी फायरिंग की लाइन के अंदर सीधा चलने लग गया, क्यों मुझे पता था ना मेरे ऊपर पड़ जाएगी, तो मेरा तो गया कंटेंट, गया चिकन नहीं मिलना। लेकिन ना फिर तुम्हारे भाई को पैंथर भाई ने बचा लिया। तो मैंने बोला पैंथर तू सबर कर, तेरा भाई मारेगा। तो यार अगर आप लोगों को ये स्क्वाड वाइब्स अच्छे लगे हो, तो उम्मीद करता हूँ सब्सक्राइब करना यार। लास्ट वीडियो में भी लाइक नहीं किए थे आप लोगों ने, तो ठोको लाइक, और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। और जब तक के लिए सायोनारा, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। और ये हमारे पैंथर भाई जो है ना, ये लगा रहे आग, इनकी जल चुकी है। क्यों जल चुकी है मैं आपको दिखाता हूँ, दो मिनट रुके ज़रा। इसी वजह से पैंथर ने अपने आप को आग लगाई। नहीं होता कुछ भी पैंथर, कोई बात नहीं।